गुड मॉर्निंग एवरी वन, आई शिफाली फ्रॉम डिप्स ब्लूमिंग डेल्स। वी वर रीडिंग यूनिट 5, इंस्पायरिंग पीपल। इन दिस यूनिट वी आर स्टडिंग द स्टोरी ऑफ हेलेन केलन। हेलेन केलन वॉज वेरी हेल्दी एट द टाइम ऑफ बर्थ, बट इन द एज ऑफ 2 She suffered with an unknown illness due to which she became deaf and blind. After that, she developed her own way of communication. She used to communicate people with signs. But when she noticed that all her siblings and family members communicate with mouth, she became frustrated. Then her parents hired a tutor for her. She helped her a lot in learning new words. With her help, Helen learned to read books in Braille. She learned many languages like French, German, Greek, and Latin. When she was 20, she entered in Radcliffe College, which was women branch of Harvard University. And in the age of 24, she was the first deaf-blind person who graduated in bachelor's degree of arts. Helen liked to communicate with other people, so she used to learn new languages. In the age of 24, she started giving lectures and speeches about her life. Her first book, The Story of My Life, was translated into 50 languages. She traveled to 25 countries. She co-founded the Helen Keller International Organization, which is still active in 22 countries. Now we will read the chapter further. Helen also inspired many works of art, including 2 Oscar-winning movies, and received many honors of her accomplishments, such as the Presidential Medal of Freedom, the highest honor that an American civilian can receive. जो हेलन थी उसने बहुत आर्ट वर्क, मतलब जो मूवीज़ वगैरह के काम को भी बहुत इंस्पायर किया, जिसमें उसकी 2 मूवीज़ थी जिन्होंने ऑस्कर विनर थी, ऑस्कर प्राइज जीता था, और उसे बहुत सारे और भी उसने एकम्प्लिशमेंट्स की थी, उसको बहुत सारी प्राप्तियाँ प्राप्त हुई थी, जिसमें से एक था प्रेसिडेंटियल मेडल ऑफ फ्रीडम, जो कि एक अमेरिकन सिविलियन के लिए बहुत ज़्यादा फ़क्र की बात थी, सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट ऑनर था, सबसे बड़ा ओहदा जो किसी को मिल सकता था। शी डाइड इन हर स्लीप इन 1968 में सोते हुए ही उसकी डेथ हो गई। हेलेन डिड नॉट लेट हर डिसेबिलिटीज़ स्टॉप हर फ्रॉम लर्निंग। उसकी जो डिसेबिलिटीज़ थी, डिसेबिलिटीज़ कौन कौन सी थी, शी वॉज ब्लाइंड, शी वॉज डेफ, लेकिन कभी भी उसने उन चीज़ों के कारण कोई भी चीज़ को सीखने से अपने आप को नहीं रोका, वो हमेशा अपने आप को उस चीज़ के काबिल बनाती रही। एंड हेल्पिंग अदर्स, और दूसरों की मदद करने के लिए भी। हर लाइफ इज़ एन एग्ज़ाम्पल, उसकी जो लाइफ है वो एग्ज़ाम्पल है किस चीज़ की, ऑफ हाउ मच डिफरेंस वी कैन मेक, कि हम किसी चीज़ में कितना को बदलाव ला सकते हैं, विद आर डिटर्मिनेशन एंड वर्क हार्ड, कि अगर हम किसी भी चीज़ को करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और फिर उस चीज़ को पाने के लिए खूब मेहनत करते हैं, तो हमारे लिए किसी भी चीज़ को बदलना मुश्किल नहीं है। कि ये उनकी लाइफ ने हमें एक एग्जांपल दिया कि हम लोग चीज़ों को बदल सकते हैं,
अगर हम अपने मन में एक दृढ़ इच्छा ले आए कि हमें वो काम करना ही करना है और मेहनत से वर्क हार्ड से करना है। होप द चैप्टर इज क्लियर टू यू पीपल। टुमारो वी विल कंटिन्यू विद क्वेश्चन आंसर्स। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।